वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप गुलेरिया, आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल प्रणव रियल एस्टेट प्रणव रियल्टर से। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी पे और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज जो प्रॉपर्टी है बहुत शानदार प्रॉपर्टी रहेगी और लोकेशन भी बेहद खास रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकेशन की। सेक्टर 124 पड़ता है ये, ग्रेटर मोहाली। तो दोस्तों, बात करें कनेक्टिविटी की, तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 10 मिनट के ड्राइव पे आप यहाँ से न्यू चंडीगढ़, मोहाली और चंडीगढ़ जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब हम इस घर की, इस शानदार घर की। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एलिवेशन दिखाएंगे आपको वो। तो आप ये एलिवेशन देख सकते हैं इसका, तो काफी मैं कहूंगा कि बिग साइज इसका फ्रंट रहने वाला है। एक शानदार एलिवेशन आपको इसका देखने वाला है। आप ये टॉप से अगर आप बॉटम की तरफ देखेंगे तो जो डिजाइनर है, जो फ्रेम है, आप ये देख सकते हैं। टॉप पे आपको जो फ्रेम मिलता है, तीन पिलर्स आपको दिख रहे हैं ऊपर। नीचे अगर आप बालकनी की तरफ देखेंगे तो ग्रिल्स आपको मिलती है यहाँ पे, LED लाइट्स आपको मिलती है यहाँ पे। तो शानदार एलिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हम घर के ओवरऑल साइज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट की। तो इसका जो फ्रंट है वो 25 फीट का इसका फ्रंट आपका इस घर का रहने वाला है। अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो 40 फीट का इसका जो है वो डेप्थ आपको मिलने वाला है। तो कुल मिला के 111 गज में आपका ये शानदार घर आपको यहाँ पे सेक्टर 124 में मिलने वाला है। अगर अब मैं फ्रंट की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं, पूरा जो है फ्रंट आपको उधर ग्रिल कवर मिलेगा। और इस तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पे एक शानदार जो है गेट हमें मिलता है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो है गेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करें पिलर्स की, तो टाइल वर्क आपको पिलर पे नजर आने वाला है। यहाँ पे एक शानदार टाइल जो है वो आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ मिलेगा पिलर्स पे, और ऊपर लैंप्स लगना भी बाकी है यहाँ पे, जो कि आपको लगा के दिए जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने पार्किंग एरिया में। तो बात करेंगे हम अपने पार्किंग स्पेस की। तो आप ये जगह देख सकते हैं पार्किंग के लिए, तो काफी आपको जगह मिल जाती है यहाँ पे पार्किंग के लिए। तो आप प्रॉपर आपकी एक हैचबैक कार जो है वो यहाँ पे अंदर पार्क हो जाएगी। अगर मैं स्टेज के नीचे की बात करूँ यहाँ पे, तो स्पेस मिल जाती है काफी ज्यादा हमें यहाँ पे। तो अपने गैस सिलेंडर या फिर अपने इन्वर्टर वगैरह आप यहाँ पे इजिली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, और इसका पार्टीशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो, इसको कवर भी कर सकते हो। तो आइए हम लिए चलते हैं, इस तरह भी आपको जगह दिखाते हैं ये वाली भी। तो इस तरह से आपका जो है वो स्पेस आपको मिल जाता है। तो काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो अपने टू व्हीलर वगैरह भी आप पार्क कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे गमले वगैरह लगा के भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो काफी स्पेस है आपके पास यहाँ पे भी। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं, आपको एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है सनलाइट के लिए और वेंटिलेशन के लिए। मैश विंडो भी दिया गया है यहाँ पे, ताकि आपके जो घर के अंदर भी प्रॉपर वेंटिलेशन सनलाइट बनी रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे अपना मैश डोर की। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपका मैश डोर जो है वो आपको मिलता है यहाँ पे। तो आइए आपको लिए चलते हैं हम अपने घर के अंदर। तो बात करेंगे हम मेन डोर की। तो आप ये डोर देख सकते हैं, 8 फिट का फुल साइज आपका ये डोर आपको मिलने वाला है, कि डिजाइनर डोर आपको मिलता है यहाँ पे। तो इस तरह से शानदार डोर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों, अब हम अपने घर के ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। तो आप ये देख सकते हैं कितना स्पेशियस आपको ये जगह आपको मिल जाती है यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। और आप ये इस तरफ अगर देख सकते हैं, LED पैनल आपको मिलता है, साथ में आपको यहाँ पे रैक्स मिल जाता है, नीचे ड्रॉर्स मिल जाते हैं, ताकि अपने जो सामान है सजावट का आप यहाँ पे इजिली रख सकें। और नीचे भी अगर कोई अपने सामान वगैरह रखना है तो ड्रॉर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करेंगे ऊपर फॉल सीलिंग की। तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं, एक शानदार फॉल सीलिंग आपको मिलती है यहाँ पे। ओवरऑल आप देखिए, बहुत ही प्यारा यहाँ पे लाइट का कॉम्बिनेशन जो है दिया गया है, LED लाइट्स मिल जाती हैं। तो अगर अब हम बात करें इस तरफ, अपने एक आपको विंडो मिलता है यहाँ पे फुल, आप ही कह दी ऑलमोस्ट पूरी वॉल पे आपको विंडो मिलता है यहाँ पे, जिसमें आपकी सनलाइट है, वेंटिलेशन है, आपको यहाँ पे मिल जाती है। और AC फिटिंग जो है पूरे घर में ही आपको यहाँ पे मिलती हैं।
तो बात करते हैं अपने किचन की, तो आप ये देख सकते हैं मॉडुलर किचन आपको मिलता है यहाँ पे। कैबिनेट्स मिल जाते हैं ऊपर आपको, नीचे ड्रॉज मिल जाते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के साथ आपको यहाँ पे जो है ड्रॉज मिलते हैं यहाँ पे। और आप ये सेल्फ देख सकते हैं, ब्लैक ग्रेनाइट मिलती है यहाँ पे आपको, चिमनी के लिए स्पेस मिल जाता है, डक का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है ताकि आप चिमनी यहाँ पे आसानी से लगा सकें, और ड्यूल सिंक मिलती है यहाँ पे साउंड प्रूफ, और बड़ा सा फ्रेम आपको यहाँ पे किचन में भी मिल जाता है ताकि किचन में भी आपकी वेंटिलेशन है या सनलाइट है प्रॉपर यहाँ पे मिले आपको। और बिल्कुल आपकी विजिबिलिटी जो है किचन से पूरे घर गेट के सामने आपको रहती है ताकि घर के बाहर कौन है वो भी आपको मालूम चल सके। और फिटिंग सारी जो है आपको यहाँ पे सराह की मिलने वाली है। और एक छोटा सा आप ये कह सकते हैं डिजाइन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है वॉल सेलिंग का। तो अब हम बात करेंगे अपने बेडरूम्स की, तो बेडरूम का भी आप ये साइज देख सकते हैं, तो काफी मैं कहूंगा कंफर्टेबल साइज आपको यहाँ पे बेडरूम में भी मिल जाता है। ऊपर अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं कि शानदार फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है एलईडी लाइट्स के साथ। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे अलमीरा, तो शानदार अलमीरा आपको यहाँ पे मिलती है, फुल सीलिंग हाइट आपकी ये अलमीरा आपको यहाँ पे मिल जाती है स्लाइडिंग डोर के साथ। नीचे ड्रॉज रहेंगे, ऊपर आपके कैबिनेट्स आपको मिल जाएंगे। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल भी आपको यहाँ पे साथ में मिलता है यहाँ पे। और ये एलईडी पैनल आप देख सकते हैं, एक ग्लॉसी लुक में आपका एलईडी पैनल जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और एक फ्रेम यहाँ पे भी दिया गया है आपको ताकि बेडरूम में भी आपको सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर मिले। अब हम बात करते हैं अपने वॉशरूम की, तो वॉशरूम का भी आप ये साइज देख सकते हैं, काफी कंफर्टेबल साइज मैं कहूंगा। और फुल सीलिंग हाइट आपकी टाइल्स रहने वाली हैं, नीचे आपकी एंटेस के टाइल्स मिलेंगी और सेरा फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों अब हम अपने सेकेंड बेडरूम में, तो आप यहाँ का भी साइज देख सकते हैं, स्पेस देख सकते हैं, तो काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर ऊपर बात करें फॉल सीलिंग की तरफ, तो फॉल सीलिंग एक शानदार आपको डिजाइन में यहाँ पे भी मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं अपने अलमीरा की, तो अलमीरा आप ये देख सकते हैं फॉल सीलिंग हाइट अलमीरा आपको यहाँ पे मिल जाती है। और आप ये देखिए कि जगह की आपको कोई भी कमी यहाँ पे नहीं होने वाली, स्लाइडिंग डोर रहेंगे यहाँ पे, ऊपर आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, तो कंप्लीट ओवरऑल आपको यहाँ पे अलमीरा यहाँ पे मिलती है। नीचे में साइड में आपको ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करेंगे अपने वॉशरूम की, तो वॉशरूम का भी आप ये साइज देख सकते हैं, तो फुल सीलिंग हाइट टाइल्स आपको यहाँ पे भी मिलती हैं वॉशरूम में भी, और नीचे एंटीस्केट टाइल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं। अब बात करेंगे अपने वॉशिंग एरिया की, तो ये लिए चलते हैं आपको वॉशिंग एरिया की तरफ भी। तो वॉशिंग एरिया का भी आप साइज देख सकते हैं, तो काफी अच्छा साइज आपको जो है वॉशिंग एरिया में भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में ही आपको वहाँ पे स्विचेस और टैप्स की फिटिंग्स भी है ताकि अपना जो वॉशिंग मशीन आप इजीली यहाँ पे लगा सके। और साइड में आपको प्रॉपर ग्रिल भी दी जाती है यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। 2 BHK आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा, आइए अब आपको लिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे भी। स्टेयर्स की, तो स्टेयर्स का आप साइज देख सकते हैं, ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल में आपको यहाँ पे टाइल्स स्टेयर्स मिलने वाली है यहाँ पे। और अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील रेलिंग जो कि आपको मिलेगी यहाँ पे, तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। दोस्तों अब हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी में, तो बालकनी का आप ये साइज देख सकते हैं, तो काफी स्पेशियस आपकी बालकनी आपको यहाँ पे मिलती है। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रिल्ड आपको पूरा जो है बालकनी मिलता है यहाँ पे। और इस तरफ आपको एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है और टाइल वर्क आपको सामने यहाँ पे घर में देखने को मिलेगा। और काफी स्पेशियस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है, तो शाम का टाइम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आराम से आप चाय का मजा ले सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे भी मैश विंडो, आपको मैश डोर जो है आपको इस तरह से मिल जाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं अपने मेन डोर की, तो मेन डोर का भी आप ये
डिजाइन देख सकते हैं, एक डिजाइनर डोर आपको मिलता है यहाँ पे। तो आइए अब बात करते हैं अपने इस जगह की। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे अंदर रूम में एंटर करते हैं तो आप ये स्पेस देख सकते हैं रूम का। इस तरह से आपको ये रूम मिल जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ हम बात करें यहाँ पे वॉशरूम जो है वो भी मिलता है हमें यहाँ पे। तो वॉशरूम का भी आप साइज देख सकते हैं, एक शानदार साइज आपको यहाँ पे वॉशरूम का मिल जाता है। और टाइल हाइट आप देख सकते हैं, फुल सीलिंग टाइल्स आपको वॉशरूम में मिलती हैं। फिटिंग्स आपकी सारी सेरा की मिलने वाली हैं आपको। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो आपको यहाँ पे मिलता है ताकि आपका रूम में भी प्रॉपर जो है सनलाइट और वेंटिलेशन बनी रहे। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की। तो फॉल सीलिंग भी आप ये देख सकते हैं, शानदार फॉल सीलिंग LED लाइट्स के साथ आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। अब इस तरफ आपको लिए चलते हैं। तो इस तरफ आप ये स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अलमीरा मिल जाती है फुल सीलिंग हाइट। और स्पेस भी आप ये देख सकते हैं, तो काफी स्पेशियस आपकी जो है अलमीरा आपको यहाँ पे मिल जाती है। नीचे आपको ड्रॉज मिल जाते हैं, ऊपर आपको जो है कैबिनेट्स मिल जाते हैं। और इधर है आपका किचन। तो किचन का आप ये साइज देखिए, L साइज में आपको किचन मिलता है यहाँ पे। छोटा किचन है कंपैरेटिवली नीचे जो आपने ग्राउंड फ्लोर में देखा। अगर कल को आप इसको रेंट आउट भी करना चाहते हैं तो इजीली आप रेंट आउट भी कर सकते हैं इस ऊपर वाले पोर्शन को। तो किचन में आपको कोई भी काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैबिनेट्स आपको दिए गए, नीचे ड्रॉज मिल जाते हैं आपको, ग्रेनाइट मार्बल आपको मिलता है यहाँ पे सेल्फ पे, चिमनी की स्पेस आपको दी गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल सिंक मिल जाती है। और इस तरफ भी आपको एक बड़ा सा फ्रेम मिल जाता है ताकि किचन के अंदर भी आपको वेंटिलेशन और सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे। तो आइए वह आपको लिए चलते हैं अपने ओपन स्पेस की तरफ। तो इस तरह से आपका जो है ओपन स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं काफी स्पेशियस आपको यहाँ पे भी जगह मिल जाती है। तो ये नक्शा है, 1.5 मंजिल बना है 3 BHK। अगर कल को आप इसको और भी ऊपर बिल्टअप करना चाहें तो MC से नक्शा अप्रूव करवा के 1.5 मंजिल आप ऊपर और भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंडिपेंडेंट हाउस, एक शानदार घर जो कि 3 BHK 111 गज में बना हुआ। डायमेंशन इसकी बहुत प्यारी, 25x40 के साइज में एक बड़ा फ्रंट आपको मिलता है यहाँ पे। और हमारे जो भी व्यूअर्स इस तरह की प्रॉपर्टी अगर देख रहे हैं तो ज़रूर इस प्रॉपर्टी को एक बार विजिट करें। अब बात करते हैं डिमांड की। तो जो आपका डिमांड है, बिल्डर का आस्किंग प्राइस है, वो है 63,90,000। तो 63,90,000 में आपको ये घर मिलता है जो कि नेगोशिएबल है अभी। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आती है तो हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आपको इसका रेट दिलवाएं। तो दोस्तों हमारे नंबर जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और विजिट का शेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।